हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसमें एक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज डील करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन एंड गिव नेम्स ऑफ कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, मतलब कुपोषण क्या है और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पोषण संबंधी जो भी डिसीज़ हैं, जो भी बीमारियाँ हैं, उनके हमें नाम बताना है और उसके कारण भी बताना है और उसका हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वो भी बताना है। तो हम पहले माल न्यूट्रिशन देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको समझते हैं हम। तो माल न्यूट्रिशन इज़ अ डिसीज़ विच अकर्स व्हेन ए पर्सन गेट टू मच फूड और टू लिटिल फूड ऑफ द राइट काइंड ऑफ फूड। मतलब माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, माल न्यूट्रिशन जो कि हम फूड लेते हैं हमारे डाइट में, जो भी खाना लेते हैं हम भोजन, उसमें जो विटामिन्स, प्रोटीन या फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स, जो भी कहें, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, या तो न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आते हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है या फिर ज़्यादा अधिकता हो जाती है, अगर हम अपने डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो इसकी कमी हो जाएगी, और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इसकी अधिकता हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हम यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं चिल्ड्रंस की। तो चिल्ड्रंस क्या होंगे, माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हो जाएंगे। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, आप सभी समझ चुके होंगे कि माल न्यूट्रिशन मतलब हमारी डाइट में जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अगर उसकी अधिकता हो गई हमारी बॉडी में या फिर कमी हो गई तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है। इसको हिंदी में रीड करते हैं, जब किसी पर्सन को एक सही पोषण, मतलब एक सही खाना एक एडुकेट अमाउंट में नहीं मिलता है, सही मात्रा में नहीं मिलता है, या फिर कोई पर्सन जो भी पोषक तत्व रहित बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, मतलब वही चीज़ है कि या तो खाना एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक एडुकेट अमाउंट में नहीं मिलेंगे, या तो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी हमारे फूड्स में, है ना, जिसको हम ईट करेंगे, तब वह माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, मतलब तब वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है। तो माल न्यूट्रिशन मेनली खाने में कमी की वजह से होता है। अधिकतर ये जो देखा गया है माल न्यूट्रिशन, ये किस में देखा गया है कि जो डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी आई है, तो ये डिसीज़ जो है ये कॉजेज ज़्यादा देखे गए हैं इसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सा एक सा खाना खाने से भी हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जिसको भी हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, तो वो भी एक माल न्यूट्रिशन हो जाता है। अब ये जो माल न्यूट्रिशन है, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के सिंड्रोम्स को प्रोड्यूस करता है। ये सिंड्रोम्स डाइट में किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी के ऊपर है, ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट्स में जो भी कमी है, फूड्स में जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो कुछ कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रोटीन की कमी से। अब अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, एक डिसीज़ कॉज होती है जिसको हम PEM कहते हैं। ये चिल्ड्रंस में होती है मेनली। तो PEM जो है, PEM में टू टाइप्स के डिसीज़ इंक्लूड होती हैं। PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये हमारी बॉडी में जब प्रोटीन्स और कैलोरीज की कमी हो जाती है तब ये कॉज होता है। जैसे फर्स्ट है मरास्मस, हमारी बॉडी में जो चिल्ड्रंस की बॉडी में जो प्रोटीन्स और जो कैलोरीज हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसके कारण जो डिसीज़ से सफ़र करता है वो चिल्ड्रंस, उसको मरास्मस कहते हैं। और क्वाशियोर्कर क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है। अब सेकंड जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अगर विटामिन ए भी एक प्रोटीन के हमारे जो विटामिन है उसमें इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, तो अगर विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो जो डिसीज़ कॉज होगी वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस होगा, बेटर्ड स्पॉट होगा, कैराटोमलेसिया होगा, हाइपर फेरिनोडर्मा होगा, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है,
कि जब डिम लाइट में जाता है पर्सन तो उसे प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है कि उसे जो है धुंधला सा पहले स्टार्टिंग में दिखाई देता है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, साथ बाद में क्या होता है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया एक टाइम पर तो परमानेंट विज़न लॉस हो सकता है। सेकंड बिटोस्पोर्ट में क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे जो वो होता है कंजक्टाइवा होता है उसमें क्या होता है एक येलोइश टाइप का फॉर्मी स्पॉट्स आ जाते हैं ना, जिसको स्पॉट्स मतलब कुछ कहना चाहिए दाग धब्बे टाइप के आ जाते हैं ना कॉर्निया के आइट साइड में, तो उससे भी विज़न में प्रॉब्लम्स होती हैं। देन कैरेटोमलेसिया होगा, इसमें कैरेटोमलेसिया में ये भी एक इमरजेंसी मेडिकल जो डिसऑर्डर्स हैं इसको जल्दी ट्रीट करना पड़ता है। तो इसमें जो कॉर्निया होता है ये कैसा होता है, एक सॉफ्ट और क्या होता है ब्रस्टली ओपन होता है, सॉफ्ट हो जाता है ये, और एक रैपिड प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा जो कॉर्निया होता है आई होती है वो क्या होता है कोलैप्स होने लगता है और इसमें परमानेंटली विजन लॉस भी हो सकता है। तो अब विटामिन बी देखते हैं, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी को थायमिन भी कहते हैं, विटामिन बी वन जो होता है उसको थायमिन कहते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग आपने सुना होगा विटामिन बी की कमी से होता है, तो इसमें ये टू टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई बेरी बेरी होता है एक वेट बेरी बेरी होता है। ड्राई बेरी बेरी में कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि क्रैम्पिंग होता है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग हो सकता है, और जो वेट बेरी बेरी होता है इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाएगा और ब्रेस्टलेसनेस हो जाएगा, उसको क्या है ब्रीथलेसनेस हो जाएगा। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस, मतलब क्या होगा जो टंग है वहाँ पे इन्फ्लामेशंस आ जाएगा और क्या होगा लिप्स क्या हो जाएंगी इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, ठीक है। अब फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है बच्चों में तो क्या होगा डायरिया होगा और एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, मदर्स को प्रेगनेंसी में जब प्रेग्नेंट लेडी होती है जब बॉर्न नहीं हुआ है बेबी तब हम क्या करते हैं उसको फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं ताकि जो फीटस है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। अब आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो कि आयोडीन की कमी से होता है, गॉइटर जो कि आपने सुना होगा, अगर आयोडीन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा गॉइटर हो जाता है। देन सेवन विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्या आएगा आपका रिकेट्स, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो डिसीज़ कॉज होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। अब रिकेट्स जो चिल्ड्रंस में होता है जो कि 6 मंथ से 2 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें होता है। अब इनमें सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, इनका जो ग्रोथ है वो फेल्यूअर हो जाएगा और जॉइंट्स जो है इनके इनलार्ज हो जाएंगे। देन विटामिन सी की डेफिशिएंसी, ये भी एक ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के अंदर ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो स्कर्वी कॉज होगा, ठीक है, स्कर्वी कॉज होगा तो उसमें क्या होगा कुछ डर्मेटाइटिस कुछ स्किन डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, है ना, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। और नाइसिन डेफिशिएंसी प्लेग्रा, नाइसिन की जब डेफिशिएंसी होगी मतलब विटामिन B3 की बात करें हम यहाँ पे, विटामिन B3 को नाइसिन कहते हैं, तो जब नाइसिन की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो क्या कॉज होता है डिसीज़ जो है प्लेग्रा कॉज होती है, जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है जो डायरिया होता है डर्मेटाइटिस हो जाता है, है ना, और डिमेंशिया होने लगता है, नेकलेस लीजन्स आने लगेंगे और स्किन्स में हाइपर पिगमेंटेशंस होने लगेगा, और जो माउथ है टंग्स है वो उनका क्या सारी फूड्स का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, एमनेशिया भी हो सकता है और कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्या होगा चिलियोसिस होगा। कॉजेस ऑफ द माल न्यूट्रिशन, अब माल न्यूट्रिशन के कुछ कॉजेस है किन कारणों से माल न्यूट्रिशन कॉज होता है, तो फर्स्ट है पॉवर्टी, अगर जो फैमिली है अगर प्रॉपर इनकम नहीं है उनकी अच्छी इनकम नहीं है पुअर लोग हैं तो क्या होगा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, है ना, या फिर ज़्यादा अगर बड़ी फैमिली है तो क्या है उन्हें
जो एक एक छोटी फैमिली को जो हम न्यूट्रिशन देंगे वो एक सफिशियंट, अगर इनकम ज़्यादा भी नहीं होगी तो भी सफिशियंट अमाउंट में दे सकते हैं, बट अगर फैमिली बड़ी है इनकम भी कम है तो जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड आएगा उसमें क्या है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स बच्चों को इग्नोर करते हैं, मतलब उनकी डाइट पर अगर उनकी देखरेख नहीं करते, उनकी डाइट पर अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बच्चे को नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से बच्चा मालनरिस हो जाएगा। थर्ड है शिक्षा का अभाव, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। अब लैक ऑफ एजुकेशन का मीनिंग ये है यहाँ पर कि अगर उन्हें प्रॉपर जो एजुकेशन नहीं मिला है डाइट के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि उन्हें बच्चों को किस टाइप का आहार देना है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो अगर उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होगा तो वो एक अच्छी डाइट बच्चे को नहीं दे पाएंगे उन्हें, इसलिए नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन देना। एक जो नर्स होती है हॉस्पिटल में, उन्हें बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है कि आपको आपके बच्चे की डाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन सा आहार आपको इंक्लूड करना है जिससे कि उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, मतलब वही है इनएडुकेट सप्लाई ऑफ फूड। जैसे कि अगर फैमिली बड़ी है तो उसमें प्रॉपर एडुकेट तरीके से फूड का सप्लाई नहीं हो पाएगा, सभी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाए मिल पाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि बच्चा जो है मालनरिस हो जाएगा। देन सिंचाई की सुविधा में कमी, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़ होगी। देन अगर कुछ टेक्निक्स है उसकी अगर एफिशिएंसी है तो, या फिर अर्बनाइजेशन। अब जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है सारी चीज़ें एक एडुकेट अमाउंट में अवेलेबल होती है, बट अर्बनाइजेशन अगर है, अर्बन एरिया है, तो वहाँ पर क्या होगा प्रॉपर सारी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में उपलब्ध नहीं होती है, तो जिसके कारण भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी और बच्चा मालनरिश हो जाएगा। माइग्रेशन है, देन रिलीजियन है, कुछ रिलीजियंस में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, है ना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं कुछ चीज़ें जो रिलीजियंस के अकॉर्डिंग कुछ लोग डाइट लेते हैं, जैसे कि जो जैन होते हैं उनमें लहसुन नहीं खाया जाता, प्याज नहीं खाया जाता है, तो ये जो गार्लिक और जो ओनियन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उन्हें नहीं मिल पाएंगे उनके बॉडी में, तो उसकी जो कमी होगी उनकी बॉडी पर दिखाई देगी। देन भोजन संबंधी भ्रांतियाँ, मतलब वही फूड रिलेटेड पैडिस में जो भी होंगे रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके। देन खाद्य पदार्थों में मिलावट, अब अगर एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि जो फूड होते हैं उसमें वो क्या करते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको मिलाकर क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो फूड्स होते हैं, जो मटेरियल होता है एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको इंक्लूड कर देते हैं और उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको कम कर देते हैं, तो उसको हम फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो अगर इस टाइप से अगर एडल्ट्रेशन भी है फूड्स में तो उसमें भी मालन्यूट्रिशन देखने मिलता है। देन कल्चर्स का अभाव, जो इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर्स है वही संस्कृति का प्रभाव होगा कि किसी के कल्चर में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाने देते हैं, तो इस टाइप से भी क्या होगा न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आने से माल नरिशमेंट होगा। देन अगर इन्फेक्शन हो गया, किसी टाइप का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी डिसीजेज देखने मिलती हैं। 14 जो है नो ब्रेस्ट मिल्क, अगर बच्चे को माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिल पाया, जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ब्रेस्ट मिल्क के इम्पॉर्टेंस क्या है ना, क्या बेनिफिट्स है, तो जो मदर का जो मिल्क होता है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं हुई है बच्चे की तो क्या होगा जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी होगी और जिसके कारण उसको मालनरिशमेंट हो जाएगा। देन सुपरस्टिशन, किसी अगर अंधविश्वास में अगर मतलब कि डाइट में ये चीज़ें लेना है ये चीज़ें नहीं लेना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोगों की मान्यता होती है अलग अलग कि क्या चीज़ें खाना है क्या चीज़ें नहीं खाना है, तो ये चीज़ें भी क्या करती है अफेक्ट करती है न्यूट्रिशन को, तो फिर न्यूट्रिशन को अफेक्ट करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। देन लैक ऑफ टाइम, अगर टाइम की कमी है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फूड नहीं ले पा रहे हैं, या फिर मिस्ट्री एंड डिप्रेशन ऑफ द चाइल्ड हो सकता है या माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है।
अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अब ये जो कॉजेस अफेक्ट कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन को, अब इसमें क्या करेंगे, पेरेंट्स को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को न्यूट्रिएंट्स जो कि पोषण आहार जो है उनको देने की एडवाइस देना है। अब बात करें अगर नर्स की, हम जैसे नर्स हैं एक, तो एक एजुकेटेड नॉलेजफुल प्रोफेशनल नर्स को क्या चाहिए कि वो बच्चे के पेरेंट्स को क्या करे, उन्हें उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है उनकी इनकम की, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए उन्हें एडवाइस करें, उन्हें डाइट बताएं कि आपको आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी डाइट आप इंक्लूड कर सकते हो। अब माँ को अपना जो माँ को अपना दूध बच्चे को पिलाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, माँ को कहना है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाइए, 6 मंथ तक के, एटलीस्ट 6 मंथ तक के माँ को जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए ही एडवाइस करना है, जिससे क्या होगा, प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे को मिल्क के थ्रू मिलते रहेंगे और उससे बच्चा माल नरिश नहीं होगा। देन थर्ड है वीनिंग के बारे में और वीनिंग फूड के बारे में पेरेंट्स को समझाना है। वीनिंग क्या होता है, वीनिंग का मतलब होता है ऊपरी आहार जो कि हम 6 मंथ के बाद बच्चे को धीरे धीरे देते हैं। तो जो वीनिंग फूड होता है उसे हम किस टाइप से देते हैं, पहले हम बच्चे को लिक्विड फॉर्म में वीनिंग देते हैं, जैसे कि दाल का पानी हो गया, राइस का जो है पानी हो गया, ये हम क्या करेंगे एक लिक्विड फॉर्म में देंगे, फिर हम धीरे से क्या करेंगे उसको सॉलिड फॉर्म में देना स्टार्ट करेंगे, सेमी सॉलिड फॉर्म में देंगे, उसके बाद हम धीरे से फिर उसको सॉलिड फॉर्म में देने लगेंगे। तो वीनिंग का मतलब यही है, ऊपरी आहार देना है, तो हमें क्या करना है बच्चों को 6 मंथ के बाद धीरे धीरे वीनिंग स्टार्ट करनी है, पहले लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, देन सॉलिड फॉर्म में देना है। तो अब नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के बारे में बता देना है, ताकि वॉर्म इन्फेस्टेशन की शंका ना रहे। तो इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में बताना है कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, जिससे कि किसी टाइप का कोई बैक्टीरिया जो है कोई टाइप का इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, ठीक है। अब बच्चे की देखभाल करने की विधि और तरीके पेरेंट्स को बता देना चाहिए। अब बच्चे की केयर कैसे करना है, ये क्या करना है, एक नर्स को पेरेंट्स को गाइड करना है, एजुकेशन देना है कि आपको आपके बच्चे की कैसे केयर करनी है, न्यूट्रिएंट्स की भी, कैसे आपको फूड किस टाइप के देने हैं, साथ में जो है इनकी केयर कैसे करनी है, है ना, इनको प्ले किस टाइप के टॉयज देने हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉयज क्या करने हैं, किस टाइप के इनके एज के अकॉर्डिंग कैसे टॉयज देने हैं, आपको कैसे केयर करनी है, ये सारी चीज़ें एक नर्स को पेरेंट्स को गाइड करनी होती हैं। देन इन्फेक्शन को रोकने के लिए नियमित रूप से बच्चे का चेकअप करने के लिए उसे मोटिवेट करें और उसकी सुविधा उपलब्ध करवाना है, मतलब अब बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी कॉज होता है, तो इसके लिए क्या करना है, जो नर्स है उनको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, है ना, सारी चीज़ें जो है आप जो भी बच्चे के लिए यूज़ करते हो प्रॉपर स्टराइल होना चाहिए, किसी भी टाइप का उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको क्या करना है बच्चे का चेकअप भी करवाते रहना है, इसलिए इस टाइप से उनको मोटिवेट करना है। 7th जो है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए पेरेंट्स को प्रोत्साहित करना है, मतलब अगर कुछ टाइप की अगर कोई इन्फेक्शन दिखाई देता है बच्चे में या कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या कहना है उन्हें कि अगर ऐसा कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, अर्ली डायग्नोसिस करवानी है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, और डायग्नोसिस पता चलने के बाद आपको उसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है, क्यों, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, जितने जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये नर्स को क्या करना है, पेरेंट्स को क्या करना है, गाइड करना है। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमने देखा कि कुपोषण जो है, मतलब माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड की जो कमी से या फिर फूड की अधिकता से जो डिसीज़ कॉज होती है उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। देन
फिर हमने देखा कि कुछ कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जो है जिसमें प्रोटीन की कमी से पीएम पॉज हो रहा है, प्रोटीन एलर्जी, माल न्यूट्रिशन हो रहा है जिसमें मारास्मस और क्वासियोर का दो डिसीज़ इंक्लूड हो रही थी। देन फिर हमने देखा विटामिन ए की डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, बटर स्पॉट, केराटोमलेशिया इंक्लूड थे। देन हमने फिर विटामिन B2 जो कि B1 जो कि थायमिन होता है, तो थायमिन के डेफिशिएंसी से बेरी बेरी रोग कॉज हो रहा था। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस था, फॉलिक एसिड्स के कमी से डायरिया होगा, एनीमिया हो जाएगा बच्चे को। देन आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो गॉइटर कॉज होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होगा और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाएगा। एंड नाइसिन जो कि विटामिन B3 होता है उससे प्लेगरा कॉज होगा और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिलियोसिस होगा। तो ये हमने कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखी। उसके बाद हमने देखे कॉजेज़ क्या है माल न्यूट्रिशन के, जिसमें हमने बहुत सारे कॉजेज़ देखे कि अगर बच्चे की अगर पेरेंट्स प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं या पुअर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है अगर कुछ फैमिली में है ना, या फिर उन्हें न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हो सकता है, या फिर प्रॉपर उनको जो मतलब फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जैसे अर्बन एरिया में अगर वो रह रहे हैं तो प्रॉपर उन्हें फूड्स नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर रिलीजन भी अफेक्ट करता है कि कुछ रिलीजन्स में फूड्स जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कुछ टाइप के, तो वो भी, या फिर किसी टाइप का एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावट हो रही है तब भी हो सकता है, या किसी टाइप का इन्फेक्शन है तब भी हो सकता है, या फिर बेबी को मदर का मिल्क नहीं मिला हो तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हैं तो उसमें क्या होगा, उन्हें माल न्यूट्रिशन कॉज होगा। फिर हमने देखा कि पेरेंट्स को क्या करना है, अपनी एक नर्स को, पेरेंट्स को उनकी सोशियो इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको न्यूट्रिएंट देने के लिए एडवाइस करना है एक नर्स को, और क्या करना है उन्हें बोलना है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाइए, और अगर वीनिंग है, वीनिंग करवाना है बच्चे को 6 मंथ के बाद, तो क्या करना है उन्हें इसके लिए एडवाइस करना है कि आपको पहले लिक्विड फॉर्म में वीनिंग करवाना है थोड़ा थोड़ा, देन आपको जो सॉलिड फॉर्म है उसमें देना है, उसके बाद में आपको सॉलिड फॉर्म में देना है। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे को क्या है उसकी डाइट बन जाएगी, और साथ में क्या करना है हाइजीन मेंटेन करनी है, जिसमें इन्वायरमेंटल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी है, और क्या करना है बच्चे की केयर करना है, इसके बारे में कैसे केयर करना है तो ये पेरेंट्स को एजुकेशन देना है। देन इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्रॉपर चेकअप करवाना है और उनको मोटिवेट करना है कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम चेकअप करवाइए और इन्फेक्शन को रोकने के लिए अच्छे से बच्चे को जो है इन्फेक्शन से दूर रख लिए, जो हाइजीन है पर्सनल हाइजीन और बच्चे की हाइजीन को मेंटेन करिए। देन क्या करना है अगर फिर भी किसी टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में लाना है और जल्दी से डायग्नोस करके क्या करना है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो ये हमने देखा जो माल न्यूट्रिशन है और ये किस टाइप के कॉजेज क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है और हमें इसके क्या प्रिवेंशंस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू।